Hey guys, welcome back to my channel Beauty Thinking. और आज हम बात करने जा रहे हैं होम क्वारंटाइन के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन भी लोगों को कोरोना हुआ है वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन लें और अपना ख्याल रखें। इसके अलावा खुद को पॉजिटिव रखें। बात करते हैं होम क्वारंटाइन की। होम क्वारंटाइन के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बेसिकली होम क्वारंटाइन होता कितने दिन का है, इन्हीं सब टॉपिक्स पर हमने बात करी डॉक्टर आरिफ खान से, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो में मूव ऑन करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज बात कर रहे हैं हम होम क्वारंटाइन की। तो होम क्वारंटाइन क्या होता है और ये कितने डेज का होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। कोरोना वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है कोरोना वायरस का, नॉर्मली 7 से 14 डेज तक होता है, यानी 7 दिन से 14 दिन के बीच में आपको सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 14 डेज होता है, इसीलिए कहते हैं कि आपको जिस दिन डिटेक्ट हुआ तो आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, तो कम से कम 14 डेज के लिए आपको सेल्फ क्वारंटाइन होना है। सिर्फ क्वारंटाइन होने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब आप क्वारंटीन में हैं, इसका मतलब आप सारे लोगों से दूर हैं, और जो भी आपके आपसे जिनको इन्फेक्शन लग सकता है तो वो चीज़ खास करके ध्यान रखना है। अगर कोई आदमी सेल्फ क्वारंटीन्ड है या घर के अंदर है तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि वो अपने कमरे में रहे, ऐसा लैट्रिन बाथरूम अटैच हो जिससे उसे बाहर आने जाने की जरूरत ना हो। और अगर उसको कोई सिम्टम्स हैं जैसे खांसी हो रही है तो वो खांसते वक्त अपना ध्यान रखे कि वो कपड़ा मास्क पहने या कपड़ा मुंह पे रखे, आसपास कोई हो ना, और खाने के लिए जो उनका खाना पीना जो घर पे उनका चलता है उसमें वो अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें बाकी परिवार के दूसरे सदस्यों से। किन कंडीशंस में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, हम घर पर ही क्वारंटाइन हो सकते हैं? जैसे अगर आपको हल्का बुखार है, बदन में दर्द है, थोड़ी बहुत खांसी है और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है तो आप घर पे भी रह के अपना इलाज करा सकते हैं। और अगर आपकी सांस फूलती है या आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो उस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना, उसमें आपको एडमिशन की ज़रूरत है। बट ज़्यादातर केसेस, 90% केसेस में आप सेल्फ क्वारंटीन होकर घर पे 14 दिन का समय निकाल सकते हैं। क्वारंटाइन होने के 14 डेज बाद भी क्या फिर से टेस्ट कराना जरूरी है? अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपको एक बार, जब तक टेस्ट नेगेटिव नहीं हो जाता है जब तक क्वारंटीन में रहना चाहिए। हालांकि 14 दिन का मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो आपको 14 दिन के बाद अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया तो आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपको 14 दिन के बाद भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आप फर्दर क्वारंटीन होंगे क्योंकि आप वायरस दूसरों को फैला सकते हैं। सर, जैसे कि आजकल देखने में आ रहा है कि छोटे बच्चों को भी कोरोना हो जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कोरोना का एज सच कोई इलाज नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे बूढ़ा आदमी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो। अगर किसी को भी कोरोना है तो उसके सिम्टम्स रिलेटेड ही ट्रीटमेंट होता है। अगर बच्चे को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, बच्चा दूध पी रहा है और सांस वांस नहीं फूल रही तो घर पे ही रह सकता है। लेकिन बच्चे को अगर परेशानी है, सांस फूल रही है या बुखार है ज़्यादा या उल्टियाँ ज़्यादा हो रही है तो फिर उस केस में उसको एडमिट करना पड़ेगा। सर, अगर 1 साल से कम उम्र की बच्ची को कोरोना हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? माँ से बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते। उस केस में क्या है कि माँ और बच्चे को दोनों को क्वारंटाइन करते हैं एक साथ, और ज़्यादातर केस में या तो माँ से ही बच्चे को लगता है या बच्चे को किसी और से भी लगा है तो बच्चे से माँ को लगने के चांसेस होते हैं। तो माँ और बच्चे दोनों को क्वारंटाइन करते हैं, और अगर एसिम्प्टोमेटिक है, ज़्यादा परेशानी नहीं है तो दोनों घर पे ही रह सकते हैं अलग रह के, लेकिन अगर परेशानी है तो फिर वो अस्पताल में ही रहेंगे। मदर और बेबी दोनों को कोरोना होने पर क्या दोनों को अलग अलग रखा जाता है? अगर दोनों को ही है पॉजिटिव तो दोनों साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमें होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन का जो रीज़न होता है, पर्पज़ होता है, वो ये होता है कि दूसरों को ना लगे। तो अगर आपको दो लोगों को है कोरोना तो दोनों अगर साथ रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों को ऑलरेडी पहले से है
और अगर छोटा बच्चा है जो माँ का दूध पीता है तो उस केस में अगर उसकी क्वारंटाइन की जरूरत है तो वो किसी के साथ रहेगा, तो सबसे अच्छा जो चॉइस होता है वो माँ का ही होता है, तो माँ के साथ ही उसको क्वारंटाइन करते हैं। सर अगर आफ्टर 14 डेज फिर से रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या घर पर ही आइसोलेट होना चाहिए या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए? घर पर भी क्वारंटाइन हो सकते हैं अगर आपको सिम्टम ज़्यादा नहीं है, परेशानी ज़्यादा नहीं है, बट आपका नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही आप क्वारंटाइन से हटेंगे। अगर आपको चाहे 2 बार आए पॉजिटिव या 3 बार आए पॉजिटिव, आप अगर सिम्टम नहीं है, आपको परेशानी ज़्यादा नहीं है, तो आप होम क्वारंटाइन में रह सकते हैं। एक बार फिर से कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है तो आपका लोगों के लिए कोई मैसेज? एक्चुअली ये जो दूसरा वेव है कोरोना का, ये हो सकता है कि अभी हमने प्रूफ नहीं हुआ, बट हो सकता है ये म्यूटेंट वायरस हो जो कि उस वायरस का ही डिफरेंट फॉर्म है, स्ट्रेन है, तो ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है, ज़्यादा कंटेजियस है और तेजी से फैलता है। दूसरी बात, अभी ये वायरल का सीजन है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें नॉर्मली भी गला खराब जुकाम के मरीज बढ़ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में कोरोना भी बढ़ गया। सर थैंक यू सो मच। आई होप गाइज हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, और घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।